Jammu and Kashmir, let me repeat once again for his benefit, remains an integral and inalienable part of India. भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों पर किया प्रहार, चीन को क्यों आया आतंकियों पर प्यार? जिस आतंकी को भारत ठोकना चाहता है उसे चीन क्यों बचाना चाहता है? जिस आतंकी को पाकिस्तान ने पाला उसे चीन क्यों बचाना चाहता है? यूएन में भारत ने पाकिस्तान की उतारी इज्जत, क्यों चीन को लगी मिर्ची? जब से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी है। नींद इसलिए भी उड़ी है क्योंकि मोदी सरकार ने आतंकियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और पाकिस्तान के पालतू आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है और दुनिया को यूएन जैसे महामंच से साफ ऐलान कर दिया कि कश्मीर भारत का है और रहेगा। दरअसल यूएन में पाकिस्तान की इज्जत बारी बारी से कई देशों ने उतारी, लेकिन सबको इंतजार था भारत का, यानी कि वो देश जिसने पाकिस्तान को दिन में ही तारे दिखा दिए। भारत को गुस्सा तब आया जब पाकिस्तान के एक प्रतिनिधि ने फिर से जम्मू कश्मीर का राग अलापा और फिर क्या था, भारत ने लगा दी क्लास। संयुक्त राष्ट्र में बहस के दौरान कश्मीर के मुद्दे को उठाने के लिए भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई और उसकी इस कोशिश को झूठ फैलाने के लिए हताशा भरा प्रयास बताया। संयुक्त राष्ट्र में भारत स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा, आज जब हम यूएनएससी सुधारों पर चर्चा करने के लिए मिल रहे, झूठ फैलाने के पाकिस्तान की हताशा भरे प्रयास और बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग करने की बुरी आदत सामूहिक अवमानना और शायद सहानुभूति हासिल करने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, भले ही पाकिस्तान के प्रतिनिधि कुछ भी मानते हो। ये तो बात रही पाकिस्तान की कश्मीर पर भारत ने कैसे उड़ाई धज्जियां, लेकिन अब बात उस देश की करते हैं जो पाकिस्तान के पालतू आतंकियों को बचाने के लिए भारत से भिड़ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस देश की जिसका गुलाम पाकिस्तान है, जिसने पाकिस्तान को अपने पैसे के जाल में फंसा कर रखा है। नाम है चीन, और इसी चीन ने पाकिस्तान के एक पालतू आतंकी को बचाने के लिए पूरा दम लगा दिया है यूएन में। चीन ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र में भारत और अमेरिका की राह में रोड़ा अटकाया। चीन ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकी घोषित करवाने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। हाल के महीनों में ये इस तरह की चौथी घटना है जब चीन ने यूएन में आतंकियों को ब्लैकलिस्ट कराने की राह में रोड़ा अटकाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति के 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत महमूद को वैश्विक आतंकी घोषित कराने के भारत और अमेरिका के प्रयासों को चीन ने फिर से बाधित किया। खैर, आपका क्या कहना है? यूएन में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को धोया और चीन के आतंकी प्रेम पर आपकी क्या राय है, यह भी कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।